को लेके भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई जितेंद्र जी कटारा का आज सरोवर की आम जनता के द्वारा दिलो जान जो जुनून के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन भरा गया है। और सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सलुम्बर में जो विधायक जी थे मन्नारे अमृत जी, उनको भी आज याद करना चाहूंगा मैं। एक ऐसा अवसर आया, प्रकृति का कहर था, कुदरती इनकी मृत्यु हुई और आज सलुम्बर की जनता को दोबारा चुनाव का अवसर मिला। लेकिन मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि सलुम्बर की जो जनता थी, जिस तरह से वो भाजपा के विधायक थे और भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उन लोगों की भावना के विरोध में जाके जिस तरह ने भाजपा ने डिसीजन लिया है और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई थी। कल ही रात को उनका कैंडिडेट की घोषणा हुई है, बहुत समय जैसे की स्थिति में थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों। मैं इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि अमृत जी पूरी विधानसभा के विधायक थे, उनके साथ जो प्राकृतिक घटना हुई तो दुख पूरी विधानसभा के लोगों को था, न कि सिर्फ उनके घर वालों को था। तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता क्या चाहते थे, उस अनुरूप काम नहीं किया है। और जिस तरह से हमारी भारत आदिवासी पार्टी जिस तेजी से ग्रोथ कर रही है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो देश लेवल पे एक वर्तमान की एक ही पार्टी ऐसी है जो कम सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ रेट वर्तमान में है। और हमें आशा है सलुम्बर विधानसभा की आम जनता जितेश भाई को भारी बहुमत से जिताएगी। जिताएगी इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधित्व चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए जो यहाँ की हर समस्या को विधानसभा में रखे, सरकार के सामने रखे और हर सरकार की योजना को धरातल पे लागू करे। ऐसा सच्चा सिपाही, ऐसा मजबूत, ऐसा लीडर लीडर चाहिए सलुम्बर की जनता को। और वो लीडर के रूप में जितेंद्र भाई हैं और सलुम्बर की जनता इन पे विश्वास जताएगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा चाहती है कि संपत्ति के नाम से वोट ले, इनकी पॉलिसी है कि हमें संपत्ति मिलेगी। लेकिन दुख सिर्फ परिवार को ही नहीं हुआ था, पूरी विधानसभा की जनता को हुआ था। विधानसभा की जनता चाहती है कि मजबूत लीडर आए, सिर्फ संपत्ति के नाम से वोट लेके जीत जाए वो नहीं चाहते। एक परिवार को राजी करके पूरी विधानसभा की जनता को दुखी नहीं करना चाहेंगे चार साल तक। सांसद होने के नाते मैं सलुम्बर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी बात की कमी नहीं खिलेगी। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं अलग अलग तरीके का, लेकिन आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में देख सकते हो। और साथ ही मैं 2018 में विधायक बना था, मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया, सांसद बनाया, सभी लोगों ने साथ दिया होगा तो बनाया होगा। जिस तरह से मैंने काम किया था उससे अनुरूप जितेंद्र भाई काम करेंगे। मैं आज सलुम्बर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा और भारत आदिवासी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सभी जिताएंगे और यहाँ की हर बात को, हर समस्या को विधानसभा में रखेंगे। इन्हीं हर शब्दों के साथ सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आभार।